एक्सचेंज फॉर मीडिया हेडलाइन मेकर हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें न्यूज़ रूम के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे हम बात करते हैं. एंड टुडे वी हैव विद अस सुधीर चौधरी जी हु इज़ द कंसल्टिंग एडिटर ऑफ आज तक. थैंक यू सो मच सुधीर जी फॉर ज्वाइनिंग अस. रियली रियली एक्साइटेड ऑन दिस रोल रिवर्सल. आज मैं आपसे सवाल पूछूंगा. आप रोज लोगों से सवाल पूछते हैं. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू रोहित. लेट मी स्टार्ट विद ब्लैक एंड व्हाइट क्योंकि जस्ट एक साल हो गया ब्लैक एंड व्हाइट को. सो गिव मी अ सेंस ऑफ कि जो ये ब्लैक एंड व्हाइट का सफर था ये कैसे पैन आउट हुआ एक साल में. आई वुड से अ वेरी प्लेजेंट एंड वेरी सेटिस्फाइंग जर्नी. जब हमने दर्शकों के साथ इस रिश्ते को थोड़ा सा नए रूप में ढाला, इसे रीडिफाइन किया, तो जब मैं आज तक पर आया, आज तक तो देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है, तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस था ये सोचकर कि मेरे जो दर्शक हैं वो इस नए प्रोडक्ट को कितना स्वीकार करेंगे. तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं अपनी पारी दोबारा से शुरू कर रहा हूँ. और हम लोगों के जीवन में जब भी हम कोई नया शो शुरू करते हैं तो हमारे प्रोफेशन में हम यही समझते हैं कि आप यू आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो. सबसे अच्छी बात यह रही कि हमारे दर्शकों ने, मैं ये कहूँगा कि एक हफ्ता भी नहीं लगाया वापस आने में और अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट करने में. तो कोशिश ये थी कि रिश्ता वही रहे, उसको थोड़ा सा हम रीडिफाइन करें, उस रिश्ते को फाइन ट्यून करें, पुराने जो लोग थे उनमें उस परिवार में कुछ नए लोग शामिल हों, आज तक का जो ट्रेडिशनल व्यूअर था अब वो भी उसमें शामिल हो गया आने के बाद. और कुल मिलाकर ये एक साल में मुझे बहुत मज़ा आया. मेरी पहुंच नए लोगों तक आई और नए लोगों ने ब्लैक एंड वाइट को देखा. और आज जब मैं बाहर जाता हूँ तो सड़कों पर अगर आप जाइए, मैं मॉल में जाता हूँ, आम जनता के बीच में जब जाता हूँ तो सब लोग मुझे ब्लैक एंड वाइट के नाम से जानते हैं और लोग बताते हैं कि मैं हम लोग हर रोज़ 9 बजे ब्लैक एंड वाइट देखते हैं. सो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी और इसमें सीखने को भी बहुत मिला. एब्सोल्युटली. नो आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि एक जो लेगेसी होती है एक ब्रांड की, इंडिविजुअल ब्रांड की, उसको री इन्वेंट करके वो शोले दोबारा से बनाना एक बहुत ही टफ टास्क है. मुझे बड़ी खुशी है कि वो शोले वाली सक्सेस हम दोबारा से रिपीट कर पाए और रीइन्वेंट भी कर पाए, रीडिफाइन कर पाए, उसको और ज़्यादा फाइन ट्यून कर पाए और दर्शकों ने उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लिया. हाउ इज सीधी बात, हाउ वाज दैट पैन आउट? मेरे लिए जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ब्लैक एंड वाइट कर रहा हूँ या मैं सीधी बात कर रहा हूँ. मेन मकसद ये है कि जब ब्लैक एंड वाइट कर रहा हूँ तो कोई एक विषय, कोई एक खबर, उसको हम अनफोल्ड करके आपके सामने लाते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं. वो हम किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं और सीधी बात में वही काम हम करते हैं किसी गेस्ट के ज़रिए कि उसको हम अपने सामने बैठाते हैं, उससे बात करते हैं और दर्शक उसके बारे में जो नहीं जानते हैं उसे हम अनफोल्ड करके दर्शकों तक लेकर आते हैं. दोनों शोज़ मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ एंड आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे. मुझे इस नए रूप में देखकर उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा. तो जब आप देखते हैं न्यूज़ रूम्स पिछले 3 दशक में और अभी का जो न्यूज़ रूम है, व्हाट इज़ द बिग डिफरेंस जो आपको दिखता है? आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस तो है टेक्नोलॉजी. 30 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी थी और आज बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. 1999 में जब मैं कारगिल वॉर कवर कर रहा था तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कारगिल से जो आपने शूट किया है वो दिल्ली कैसे पहुँचे. मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा का एक इंटरव्यू किया था उस समय. जब तक वो इंटरव्यू प्रसारित हुआ तब तक कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो चुके थे. तो वहाँ से उस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ और आज जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, आज तो हम एक लोकेशन पर हमारा PCR है, एक लोकेशन पर रिपोर्टर है, दूसरे लोकेशन पर हमारा एंकर है. तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बहुत आसान बना दिया. अब ये तो आसानी की बात है, अब मुश्किल बात क्या है? टेक्नोलॉजी के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि इतने सारे जनरेशंस को एक के बाद एक आपको केटर करना है. और एक और बात जो हुई, टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास नहीं आई, टेक्नोलॉजी हमारे व्यूअर के पास भी चली गई. आज अगर मैं लाइव कर सकता हूँ यहाँ से
तो हमारा दर्शक भी अपने घर से कहीं भी बैठे बैठे एक लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकता है। हमारे दर्शक के हाथ में एक स्मार्टफोन है। आज न्यूज़ चैनल्स पर तस्वीरें पहले नहीं आती, सबसे पहले सोशल मीडिया पर आती है, उसके बाद न्यूज़ चैनल्स पर आती है। तो सोशल मीडिया जो है उसका जो प्रेजेंस है अब मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ एज ए पैरेलल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने हमारे काम को बहुत चैलेंजिंग बना दिया है। और ये ऐसा दौर है जब आपको लगातार अपने आप को इनोवेट करते जाना है, लगातार अपने फॉर्मेट्स को बदलते जाना है। तो आप देखिए कि इश्यूज भी कितने बदल गए हैं। तो कहाँ हम एक टूटी हुई सड़क पर रिपोर्टिंग करते करते आज हम क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं, आज हम मेंटल हेल्थ पर बात करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड उसे लेकर हम बात करते हैं। तो बहुत सारा बदलाव आया है और हमने भी धीरे धीरे अपने फॉर्मेट्स के हिसाब से सिलेक्शन ऑफ न्यूज़, बात कहने के अपने अंदाज को लेकर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। एक और चीज़ है जो जर्नलिस्ट को अक्सर टीवी जर्नलिस्ट को बोला जाता है कि व्यूज़ हैं, न्यूज़ कहाँ है, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। और आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपके सामने ये सवाल रख सकता हूँ कि आपकी इस पर क्या राय है जब लोग ऐसा पूछते हैं टीवी मीडियम को लेकर ओवरऑल। रोहित, जो भी बदलाव आते हैं ना वो दर्शकों की चॉइस से आते हैं और दर्शकों के पसंद और नापसंद से आते हैं। इन्फॉर्मेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के सैकड़ों नहीं हज़ारों सोर्सेज हैं। इन्फॉर्मेशन तो अब हमारे दर्शक तक पहुंच ही रही है, हर दर्शक तक जानकारी जा रही है क्या हुआ। अब दर्शक के पास जो कमी है वो ये है कि वो उस जानकारी को डिकोड कैसे करे, उसको समझे कैसे कि इस जानकारी का मतलब क्या है। कोई नेता अगर कोई बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या है। टीवी के फॉर्मेट में रात में 9 बजे का जो शो है वो एडिटोरियल पेज है उस टीवी चैनल का, जिसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि किस खबर का क्या मतलब है, इस खबर से दर्शकों पर क्या असर पड़ेगा, और हमारी नज़र से जो चश्मा मैंने लगा कर देखा है उससे मुझे ये तस्वीर ऐसी नज़र आ रही है। बिना विश्लेषण के अगर आप अगर खबर को दिखाएंगे तो वो खबर अब अधूरी होगी, क्योंकि खबर सब लोगों के पास है, इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास है, अब ये बताना बाकी है कि ये क्यों हो रहा है। आज जितनी टेक कंपनियां हैं, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितनी कंपनी आपको जो वो आपको क्या प्लेटफॉर्म दे रही हैं, वो आपको आपकी ओपिनियन को लोगों तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप अपने व्यूज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में, अपने वीडियो के ज़रिए, अपने ट्वीट्स के ज़रिए। अपनी ओपिनियन जाहिर करने की आज़ादी को आप इन टेक कंपनी से खरीद रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे दर्शक ओपिनियन सुनने के लिए और अपनी ओपिनियन देने के लिए कितने बेताब हैं। अगर आप जो कह रहे हैं कि व्यूज़ अगर हटा दिया जाए तो पूरे 24 घंटे आपको सिर्फ स्पीड न्यूज़ देखने को मिलेगा, 5 मिनट में 100 खबरें, बस आप दिन भर वो देखते रहिए, खबरें देखते रहिए, और आपको किसी भी खबर का उसके ऊपर ओपिनियन, उसका विश्लेषण आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर सारे दिन स्पीड न्यूज चलती रहेगी। सारे जर्नलिस्ट पे सवाल है कि टफ क्वेश्चंस जो जर्नलिस्ट के लिए हमेशा यू नो माना जाता है वो मिसिंग है, टफ क्वेश्चंस नहीं है। वी डोंट मेक पीपल अनकंफर्टेबल व्हेन जर्नलिज्म इज यू नो बिसेट विद दीज क्वेश्चंस इटसेल्फ। तो आपका ऐसे क्या बोलना चाहेंगे इन चीज़ों पर? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ देखें, जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा आरोप लगते हैं कि इनसे टफ़ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, लोग क्या कहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर से टफ़ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मैंने प्राइम मिनिस्टर के मल्टीपल इंटरव्यूज़ किए हैं, कई बार इंटरव्यूज़ किए हैं, अगर आप सारे इंटरव्यूज़ देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि कोई सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने उनसे ना पूछा हो, कोई सवाल। ये मैं चुनौती देता हूँ कि आप मेरे सारे पुराने इंटरव्यूज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ उठा के देख लीजिए, और अगर आपको ये लगे कि आपने ये नहीं पूछा तो मैं इस बात को मान सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर का जो मैंने आखिरी इंटरव्यू किया था, मुझे लगता है जो पिछले चुनाव से ठीक पहले, अगर आपको याद हो उस समय भी मैंने प्राइम मिनिस्टर से बेरोज़गारी के बारे में सवाल पूछा था। इसी तरीके से लोग और भी लोगों के बारे में कहते हैं कि जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, मान लीजिए अमित शाह हैं, उनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते। आप मेरे सारे इंटरव्यूज़ अमित शाह के साथ देखिए और फिर मुझे बताइए कि मैंने कौन सा सवाल उनसे नहीं पूछा। सब सवाल पूछे हैं,
लेकिन अब हमारी समस्या ये हो गई है कि मीडिया के स्पेस में ज़्यादातर जो लोग अब अपनी ओपिनियन बिल्ड करते हैं वो किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे तो ये सारी जो ओपिनियन आपको कहाँ से मिलती है, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर मीडिया वाले स्पेस में सबसे ज़्यादा लोग राजनीतिक विचारधारा वाले और किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो फिर इस तरह का एक नैरेटिव बनाते हैं कि सवाल नहीं पूछे जा रहे, सवाल नहीं पूछे जा रहे, सवाल सारे पूछे जा रहे हैं। मैं और आप अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या आपने सवाल पूछने से पहले मेरा सिर फोड़ा, मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरे कपड़े फाड़ दिए? क्या किया आपने? आपने सवाल किया? जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं आपने मेरे से सवाल किया और मैं उनका बहुत आसानी से और मैं जैसा मुझे ठीक लग रहा है मैं वैसा आपको जवाब दे रहा हूँ। और सवाल जवाब कैसा होता है? अगर अब मैं विपक्ष की बात करता हूँ, जो लोग कहते हैं कि भाई जो सत्ता में लोग बोलते नहीं हैं या पत्रकार उनसे सवाल नहीं पूछते, राहुल गांधी ने अपना आखिरी इंटरव्यू कब दिया था? सोनिया गांधी ने अपना आखिरी इंटरव्यू कब दिया था? नीतीश कुमार का आखिरी इंटरव्यू आपने कब देखा था? ममता बनर्जी का आखिरी इंटरव्यू कब देखा था? नवीन पटनायक का आखिरी इंटरव्यू आपने कब देखा था? आप याद करके देखिए, और मैं सब अपने दर्शकों से भी कह रहा हूँ कि आप याद करके देखिए कि आपने उनका आखिरी इंटरव्यू कब देखा था। तो आप इनको सीधी बात बुला रहे हैं? मेरा तो खुला निमंत्रण रहता है कि सीधी बात में लोगों को आना चाहिए, चाहे कोई भी हो, विपक्ष के नेता हों, सत्ता पक्ष के नेता हों, उन्हें आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन मैं खुद आपको बताता हूँ, मैं बदतमीजी वाले इंटरव्यू करने में विश्वास नहीं रखता। मैं किसी का अपमान करने वाले इंटरव्यूज़ में, संवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। मेरे सामने कोई भी व्यक्ति अगर आता है मेरा मेहमान बनकर, तो सबसे पहली बात है वो हमारा मेहमान है और उसे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और उसे अपनी बात कहने की पूरी छूट मिलनी चाहिए, पूरा स्पेस उसको मिलना चाहिए ताकि वो अपना जवाब ख़त्म कर सके। कम से कम मेरे ऊपर तो ये बात लागू नहीं होगी कि मैंने कभी सवाल नहीं पूछे। अब होता यह है कि जब आप एक घंटे का इंटरव्यू करते हैं और जो आपके ट्रोलर्स हैं और जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं और जो जिसको आप कहते हैं ट्रोल आर्मीज, वो उसमें से कुछ एक छोटा 30 सेकंड का चंक निकालते हैं। जैसे आपने मुझसे सारे इंटरव्यू, सारे सवालों के बाद अगर आपने मुझसे ये पूछा कि सुधीर जी आप खाली टाइम में क्या करते हैं, है ना, तो ये भी आप पूछेंगे ही जब हम एक दूसरे से इतना संवाद कर रहे हैं तो। और अगर कोई इस पूरे इंटरव्यू में से सिर्फ उसने सवाल को निकाले और बोले कि रोहेल ने, देखिए उसको सिर्फ ये समझ में आया कि ये पूछे कि आप खाली टाइम में क्या करते हैं, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, ये इंटरव्यू में वो पूछ के आ गए। बट आपने तो सारे सवाल पूछे हैं। यही हमारे साथ भी होता है और फिर एक छवि बना दी जाती है, फिर एक पूरा एक नैरेटिव बना दिया जाता है और फिर उसे इस तरीके से पेश किया जाता है। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जिस हिसाब से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, कभी कभी आधी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो जो आपने कहा ना कि बदलाव क्या आया 30 साल में और अभी में, एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि आज से 10-12 साल पहले मैं अपना शो करता था पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ और मेहनत के साथ, और घर जाता था और चैन की नींद सोता था और मुझे ट्रोलिंग की कोई चिंता नहीं होती थी। और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं देखता था ये देखने के लिए कि मैं कहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो नहीं कर रहा हूँ। अब आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई भी नया सुझाव देते हैं, मैं सुबह उठता हूँ अपना फ़ोन देखता हूँ और मैं देखता हूँ आज मैंने सोचा कि आज संडे है और आज मैं थोड़ा आराम करूँगा, थोड़ा रिलैक्स करूँगा, और सुबह उठ के मैं अपना फ़ोन देखता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मैं ट्रेंड कर रहा हूँ। और ट्रेंड हो इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने रात को शाम को कुछ ऐसी बात कह दी जो शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो ये जो एक जर्नलिस्ट का सुकून होता था कि अपना काम करो चुपचाप और उसके बाद घर जाओ, वो सुकून अब ख़त्म हो गया है। क्योंकि जैसे ही आप कोई ऐसी बात कहोगे जो किसी को चुभेगी, अब देखिए अगर आप सच बोलेंगे तो सच चुभेगा तो ज़रूर, किसी ना किसी को तो चुभेगा। और फिर वो जो सच है जिनको चुभता है फिर वो आपको चेज़ करते हैं। तो ये एक नई चीज़ कुछ सालों से शुरू हुई है, जर्नलिस्ट को धमकियां मिलना, उनकी जान को ख़तरा पैदा हो जाना, सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग करना, उनके इंटरव्यूज़ के सेलेक्टिव जो है पोर्शंस निकाल कर उस पूरे इंटरव्यू को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करना, गलत धारणा, गलत नैरेटिव बनाना, ये सब अभी शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में। और जर्नलिस्ट के अब पूरे एक दिनचर्या में ये भी शामिल हो गया है।
आई वॉन्ट टू नो, जब ऐसी होती हैं चीज़ें जर्नलिस्ट के साथ, आपके साथ होता रहता है ऐसी चीज़ें कि लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें करके यू नो ट्रेंडिंग, तो जब ये अनफेयर क्रिटिसिज्म होता है हाउ डू यू डील विद इट? देखिए, जब सोशल मीडिया नया नया आया था, मैं अपना शो करने के बाद घर जाने के बाद देखता था कि लोग क्या कह रहे हैं, और उस समय काफ़ी हद तक ईमानदार ओपिनियन दर्शकों की मिलती थी। फिर धीरे धीरे वो डाइल्यूट होना शुरू हुआ, क्योंकि आपको याद होगा 2013-14 के आसपास सोशल मीडिया को राजनीतिक पार्टियों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इससे पहले सोशल मीडिया को राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं करती थी, चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं करती थी। ये 2012-13 में शुरू हुआ। तो शुरू में जब मुझे दर्शकों का कोई ऐसा वो आता था तो मैं परेशान होता था, फिर बाद में ट्रोलिंग होती थी तो शुरू में मैं परेशान होता था और मैं देखता था कि मेरा किस तरह का क्रिटिसिज्म है। देखिए, मैं आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। अगर मेरे काम को लेकर दर्शकों ने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मैं उसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल आई एम ओपन, और मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ कि दर्शक क्या कह रहे हैं। तो पहले हमें समझ में नहीं आता था कि कौन सा दर्शक है और कौन ट्रोलर है और कौन किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है जो कि एजेंडा सेट करने के लिए आया है। पहले हम समझ नहीं पाते थे। अब अगर आप मुझे कहें, अब मैं तुरंत एक नज़र में समझ जाता हूँ कि ये दर्शक है, ये ट्रोलर है और ये राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है। तो अगर मुझे दर्शक की राय मिलती है तो मैं सर आँखों पर उस राय को लेता हूँ। वो कुछ बताता है अपनी ओपिनियन तो मैं देखा आप उस पे कमेंट तो मैं लिखता हूँ, बिल्कुल लिखता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये नकली है, ये ट्रोलर है, ये किसी ख़ास मकसद से ऐसा कर रहा है, तो फिर मैं अब उसको इग्नोर करता हूँ। तो मुझे वो उसको ब्लैक एंड वाइट में डिफ्रेंशिएट करने की जो कला है वो मुझे समझ में आ गई है। तो एज फार एज व्यूअर्स आर कंसर्न, आई एम वेरी ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ फीडबैक। उस फीडबैक पर हम काम भी करते हैं, इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं इंसान हूँ, हर रोज़ एक लाइव शो होता है, रोज़ सालों साल बिना रुके आप हर रोज़ एक लाइव शो कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपसे गलती ना हो? कई बार बोलने में गलती हो जाती है, कई बार पढ़ने में गलती हो जाती है, कई बार दिमाग में विश्लेषण करने में गलती हो जाती है, चीज़ को समझने में भी गलती हो जाती है, विच इज़ नॉर्मल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। वो गलती इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए, बस जानबूझकर ना की गई हो वो माफ़ नहीं हो सकती बस। तो बाकी तो आई एम वेरी ओपन फॉर दिस काइंड ऑफ फीडबैक्स। सुधीर जी, एक और सवाल है कि न्यूज़ रूम में नॉइज़ बहुत आ गई है, और नॉइज़ की वजह क्या है? व्हाट इज़ ड्राइविंग दैट नॉइज़ अकॉर्डिंग टू यू? मुझे लगता है पहली वजह तो टीआरपी हो सकती है, क्योंकि न्यूज़ में जो अलग अलग फॉर्मेट्स लोग फॉलो करते हैं उसमें सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो ये है कि दर्शक देख रहे हैं या नहीं, और उससे आपको टीआरपी कितनी मिल रही है। और बहुत सारे लोग उसके पीछे ये लॉजिक देते हैं कि शायद हमारे दर्शक लाउड न्यूज़ सुनना चाहते हैं, लाउड डिबेट सुनना चाहते हैं जिसमें एक दूसरे का अपमान हो रहा हो, जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, न्यूज़ भी हो, और हमारे दर्शक जो हैं वो लाल रंग में ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी वही देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैं जब बाहर जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ तो जो लोग मुझे मिलते हैं वो ये कहते हैं कि हम इस लाउड न्यूज़ से परेशान हो गए हैं, सारे दिन ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें इतने लाइव जो लाउड डिबेट्स हैं एक घंटा देखने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं होता, कोई हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, ना ही हमारी कोई जानकारी में कोई वृद्धि होती है। तो ये दर्शक जो बाहर जब आप दर्शक से पूछते हो तो वो ये कहता है। डू रेटिंग्स बॉदर यू? नो, रेटिंग्स डू नॉट बॉदर मी। मैं रेटिंग्स के लिए काम भी नहीं करता, और जब मैं अपना शो प्लान कर रहा होता हूँ तो रेटिंग्स मेरे दिमाग में कहीं नहीं होती। मेरे दिमाग में मेरा व्यूअर होता है, मेरे दिमाग में वो लाखों करोड़ों परिवार होते हैं जो मुझे रात को देखने वाले हैं। मैं उनकी पसंद नापसंद, उनकी अवेयरनेस, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन बेस्ड कंटेंट क्या हो सकता है जिससे उन्हें देखने के बाद कुछ फ़ायदा हो, ये करके मैं प्लान करता हूँ अपना शो। न्यूज़ चैनल के दफ्तर से बाहर जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, परिवारों से मिलते हैं, वहाँ आपको पता चलेगा कि कौन सा शो नंबर वन है, कौन सा एंकर नंबर वन है, कौन सा चैनल नंबर वन है, सबसे ज़्यादा लोग किस चैनल को देखते हैं। तो कई बार वो बार्क में रिफ्लेक्ट नहीं होता।
अब और क्या तरीके हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनिक तरीका है, आप जाइए बाहर और सर्वे करके देखिए कि कौन आदमी क्या देख रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया के जो नंबर्स हैं उन्हें आप अब इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, पहले सोशल मीडिया के नंबर्स नहीं आते थे, पहले ये सारे जो हमारे शोज हैं, प्रोडक्ट हैं, चैनल्स हैं, ये सोशल मीडिया पर नहीं थे। आज सब चैनल्स यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, और भी बाकी सब सोशल मीडिया चैनल्स पर हैं। सिंगल एजेंसी की मोनोपोली का समय चला गया, अब बार्क की सिंगल में मोनोपोली नहीं हो सकती रेटिंग में। अब आपके पास मल्टीपल वेज हैं रेटिंग्स को नापने के। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आज बार्क का जो पूरा वेटेज है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप टोटलिटी में अगर किसी की लोकप्रियता को नापने जाएं, आप 25% बार्क को लीजिए, लेकिन साथ ही आपको सोशल मीडिया पर जो नंबर्स आ रहे हैं, जो रियल टाइम नंबर्स हैं, जो ऑर्गेनिक नंबर्स हैं, देखिए एक दर्शक भी अगर नया जोड़ता है और एक दर्शक भी छोड़कर जाता है तो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो अब उसको ज़्यादा वेटेज देने का समय आ गया है। और जब आप देखेंगे तो रेटिंग्स में आपको सारे टाइम सीमा हैदर क्यों दिखाई दे रही है आजकल? आप देखिए कि सारे चैनल्स प्राइम टाइम में रोज़ सीमा हैदर दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें रेटिंग है और लोग बार्क रेटिंग के पीछे हैं। क्यों बार बार यूक्रेन की जो खबर है, युद्ध की खबर, वो अभी तक चलती रहती है? क्यों बार बार नॉर्थ कोरिया की खबर बार बार आ जाती है, किम जोंग उन की खबर हमारे चैनलों पे चलती रहती है? हमारा क्या इतना ज़्यादा हम प्रभावित हैं नॉर्थ कोरिया से कि नॉर्थ कोरिया में जो भी हो रहा है हम उसको कई कई दिन तक दिखाएंगे? उसका कारण ये है कि उससे बार्क की रेटिंग्स आती हैं, और बार्क की रेटिंग अब हमारे कॉन्टेंट को गलत तरीके से प्रभावित करने लगी है। देखिए, रेटिंग्स अच्छी बात है, किसी की लोकप्रियता को जाँचना मापना अच्छी बात है, पता कैसे चलेगा? लेकिन अगर वो रेटिंग आपके कंटेंट को बुरी तरह प्रभावित करने लगे तो ये खतरनाक बात है। 3 दशक की जर्नलिज्म में व्हाट हैव बीन योर बिगेस्ट लर्निंग्स? आल्सो अगर हम देखें, आपने बहुत लंबी लंबी इनिंग्स खेली हैं हर जगह जहां भी आपने यू नो यू हैव बीन एसोसिएटेड विद, और हर जगह का एक कल्चर होता है, आप उसमें अपने आप को ढालते हैं। तो जैसे आप अभी यू आर इन अ न्यू ग्रुप विद द न्यू ग्रुप, so how do you adjust to the culture of the place and what have been your learnings in those 30 years? देखिए, मैं एक अपने आप को एक प्लेयर की तरह देखता हूँ, जो कि अलग अलग पिच पर आपको खेलने को अलग अलग मैच खेलते हैं, आप अलग स्टेडियम में खेलते हैं, अलग पिच पर खेलते हैं, जहाँ आप क्राउड भी एकदम अलग अलग है। तो इसे मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि मैं प्लेयर तो मैं वही हूँ और मुझे खेलना आता है, मुझे मेरा गेम पता है, लेकिन आज मैं एक नए इकोसिस्टम, एक नए स्टेडियम में खेल रहा हूँ जिसकी पिच अलग है, जिसमें लोग जो बैठे हैं सामने वो अलग हैं, पिच कंडीशंस अलग हैं। इंडिया टुडे ग्रुप इज़ वेरी प्रेस्टिजियस, देश का सबसे बड़ा और सबसे इज्जतदार मीडिया हाउस है। तो किसी के लिए भी यहाँ काम करना एक फ़ख्र की बात है, आपको एक गर्व जैसा महसूस होता है कि आप इस कंपनी में काम करते हैं। सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये है कि ये बहुत ही एक डेमोक्रेटिक न्यूज़ रूम है यहाँ का, और यहाँ पर अलग अलग विचारधाराओं वाले जो लोग हैं वो एक साथ काम करते हैं, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ हम कंटेंट बनाते हैं। तो जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो ये है कि एक तो डेमोक्रेटिक है पूरा जो व्यवस्था है, वो बहुत लोकतांत्रिक है और बहुत प्रोफेशनल है। एक न्यूज़ चैनल के पीछे जो इंजन है, एक न्यूज़ एंकर के पीछे, एक एडिटोरियल टीम के पीछे जो एक पूरा एक इंजन जो होता है, जो उसको एक रॉकेट की तरह उसको उसका प्रक्षेपण करता है, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। वो जो टीम होती है वो ब्रांडिंग की टीम होती है, वो आपकी सेल्स की टीम होती है, वो आपके और आपकी टेक्नोलॉजी की टीम होती है, और वो सारी टीम आपको एक बैकअप सपोर्ट देती है कि आप अच्छे से लॉन्च हो सको। और सबसे जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्रमोटर्स हैं उनका बहुत किसी डे टू डे में बहुत दखल अंदाजी भी नहीं है, जो कि बहुत जगह आपको देखने को मिलता है। तो एक लिबर्टी जो एक जर्नलिस्ट को चाहिए कंटेंट क्रिएशन के लिए वो यहाँ मिलती है, और एक जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आपको चाहिए जो कि आपके कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, इतने करोड़ों दर्शक इससे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, तो जो जब ये एक्सपोजर आपको मिलता है तो आपके कंटेंट में 4 चांद लग जाते हैं, तो बहुत सारी आगे की जो चीज़ें हैं रास्ता है वो आसान हो जाता है।
सुधीर जी, एक और सवाल आपके, जैसे मतलब पैशन की बात होती है, डे इन एंड डे आउट सेम पैशन के साथ न्यूज़ रूम में जाना, और वो भी एक दो साल नहीं, इतने साल, हाउ डू यू मेंटेन दैट? देखिए, मैं 25-30 साल से लगातार एक ही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, और रोज़ रात को शो करना, रोज़ आना, किसी भी दिन छुट्टी नहीं लेना. और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब से मैं आज तक मैं आया हूँ, मुझे एक साल हो गया ब्लैक एंड वाइट करते करते, इस पूरे एक साल में मैंने एक एपिसोड भी ब्लैक एंड वाइट का मिस नहीं किया है. इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, तबीयत भी ख़राब हुई होगी, काम भी बहुत आए होंगे, फैमिली का प्रेशर भी होगा, बहुत चीज़ें थी, लेकिन मैंने एक दिन भी ब्लैक एंड वाइट मिस नहीं किया. नॉन स्टॉप मैंने पूरे साल काम किया है, और उसके पीछे है, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा ईंधन है मेरा पैशन, और दूसरा फैक्टर है जो करोड़ों लोग 9 बजे इंतज़ार करते हैं, जो इतने सारे परिवार जब इंतज़ार करते हैं. जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग कहते हैं, 3 जनरेशन्स के लोग मुझे मिलते हैं. कोई युवा मिलता है, वो कहता है कि मेरे पिता आपको देखते हैं. कोई और छोटा बच्चा मिलता है तो कहता है कि मेरे दादाजी और मेरी दादी आपको मिलते हैं. सोशल मीडिया पर कोई मुझे मिलता है, कहता है मेरी दादी 90 साल की हैं, वो आपसे एक बार बात करना चाहती हैं, वो रोज़ आपका शो देखती हैं. मेरे पास इस तरह के रिक्वेस्ट आते हैं कि किसी के दादा दादी माता पिता अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रोज़ मुझे देखते हैं और वो कहते हैं कि एक बार मेरी उनसे बात करा दीजिए. तो वो कहते हैं कि शायद ये उनकी आखिरी इच्छा है, आप बात कर लीजिए. बहुत बार मुझे इस तरह के रिक्वेस्ट आते हैं कि किसी का जन्मदिन है जो मुझे दिखता है, और वो कहते हैं उनके फैमिली के कि अगर आप उनसे उनके बर्थडे पे बात कर लो तो ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा. तो ये जो एक एक रिश्ता बन गया है इतने करोड़ों लोगों के साथ, और आपको लगता है कि 9 बजे आपको एक ख़ास प्लेटफॉर्म पर रोज़ उनके साथ मिलना है और वो वेट कर रहे हैं आपका, तो फिर मेरी भी ये ड्यूटी बन जाती है, मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं भी किसी भी दिन उन्हें निराश ना करूं. दो तरह से निराश ना करूं, एक तो मैं हर रोज़ वहां मौजूद रहूं, और दूसरा जो उन्हें मुझसे उम्मीदें हैं जिस तरह के कंटेंट की, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरूं और मैं उन्हें ख़राब कंटेंट ना दूं. तो ये दो चीज़ें हैं विच कीप मी गोइंग ऑल द टाइम, और जो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इन्हीं के लोगों के साथ रहने में मज़ा आता है. How do you spend your time? I also got to know ki for your show you got 1 lakh WhatsApp messages. How do you handle this, and then how do you find time for yourself? What do you do after you once you're done with your daily, you know, the day? देखिए, जो आपको जो messages की जो मैं बात बता रहा था वो तो वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मान लीजिए हमने ये एक साल पूरा हुआ और हमने दर्शकों से कहा कि आप एक साल पूरा होने पर ब्लैक एंड वाइट के अपनी राय अपना मैसेज भेजिए, तो 1 लाख मैसेज आ गए. इससे पहले जब हम अपने शो का नाम रख रहे थे तब भी लाखों मैसेज आ गए थे. सोशल मीडिया पर जो ट्रैक्शन आता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. तो ये तो दर्शकों का प्यार है, जो आई वुड से कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि इतना लोग मुझे प्यार करते हैं. इतने वर्षों तक जब आप न्यूज़ में काम करते रहते हैं तो कभी इस बात का आभास नहीं होता कि आप अब काम कर रहे हैं और अब आप नहीं कर रहे हैं. तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं 24 घंटे ही, इफ़ आई एम नॉट फिजिकली इन द न्यूज़ रूम बट देन आई एम मेंटली इन द न्यूज़ रूम एंड आई एम मेंटली इन दैट प्रेशर कुकर ऑल द टाइम. जब मैं कॉन्स्टेंटली ये सोचता रहता हूँ कि अच्छा कंटेंट कैसे बनाया जाए, नया आइडिया क्या हो सकता है, क्या नई चीज़ हो सकती है, क्या नया सीखा जा सकता है. अब उसके लिए कभी कभी आपको अपना दिमाग जब रेस्ट करना होता है, मेरा एक शौक लोगों के बीच में जाके उनके साथ कभी चाय पीना, कभी कॉफ़ी पीना, इंटरेक्शन करना आम लोगों के साथ, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अलग कहानी है, हर व्यक्ति आपको आके एक नई चीज़ बताता है, तो आपको बहुत जानने को मिलता है. स्टूडियो से बाहर अगर आप निकलते हैं जितना ज़्यादा, तो आपको जनता की नब्ज़ समझ में आती है. तो एक तो मेरा ये, एक किताब पढ़ने के बजाय मैं सोचता हूँ कि आप 100 लोगों से मिल लीजिए, एक तो ये है. अखबार में बहुत पढ़ता हूँ, किताब पढ़ने का समय तो कम मिलता है मुझे, बट मैं अखबार दिन में 9-10 अखबार में ज़रूर पढ़ता हूँ. तो अखबार पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, और मुझे ये शौक़ है देखना कि 10 अखबारों ने एक ही खबर को कैसे अलग अलग तरीके से कवर किया है, कैसे अलग अलग तरीके से हर अखबार की अपनी अलग ओपिनियन है और उनके तर्क क्या हैं इसके पीछे, ये मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है. मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिल्में देखूँ, क्योंकि फिल्म देखना जो है वो उससे भी आपको लोगों की नब्ज़ पता चलती है, आपको पता चलता है इस देश में क्या कंटेंट बन रहा है,
क्या कंटेंट चल रहा है, कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो भी मैं देखता हूँ ये देखने के लिए कि भाई क्या नहीं बनाना है, लोगों ने इस फिल्म को रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है, तो उससे आप आगे गड्ढे में गिरने से बच सकते हैं। बट आई लाइक दिस फिल्म मेकिंग क्राफ्ट, मैं सीखने की भी कोशिश करता हूँ कि कैसे ये होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ खाली वक्त में। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे फेवरेट एक्टर बदलते रहते हैं। अभी कौन है? अगर आप एक व्यक्ति का नाम जाने सोचें जिसको कि मैं जो अभी तक सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मेरे दिमाग में है वो है अमिताभ बच्चन। टॉम क्रूज बहुत पसंद है। दो एक्टर्स के नाम मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, यहाँ से न्यूज़ टीवी अभी कनेक्टेड टीवी हो रहा है, बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, तो फ्यूचर ऑफ टेलीविजन न्यूज़ व्हाट इज दैट अकॉर्डिंग टू? आई थिंक देखिए प्लेटफॉर्म्स बदलते चले जाएंगे, डिवाइसेस बदलते चले जाएंगे। जब हमारे देश में रेडियो आया था तो लोग सोचते थे अब अखबार बंद हो जाएगा, फिर जब टीवी आया तो रेडियो और अखबार बंद हो जाएगा लोग ऐसा कहते थे, फिर इंटरनेट आया तो लोगों ने कहा टीवी अखबार सब बंद हो जाएंगे। बट आज हमारे देश में रेडियो भी है, अखबार भी है, टीवी भी है और इंटरनेट भी है और सब सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी भी सर्वाइव करेगा लेकिन फॉर्मेटिंग अलग अलग हो जाएगी और कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो टीवी के लिए अलग हो जाएगा आगे भविष्य में चल के, और आपके अलग अलग डिवाइस के लिए आपके पास टेलर मेड कंटेंट बनने लगेगा। जैसे आज आप इंस्टाग्राम की रील के लिए अलग कंटेंट बनता है, किचन सेम है, मेरे ही शो में मैं इंस्टाग्राम के लिए एक अलग रील बनाता हूँ, फेसबुक के लिए अलग बनाता हूँ और ट्विटर के लिए अलग बनाता हूँ और टीवी के लिए अलग बनाता हूँ, बट प्रोडक्ट मैं ही हूँ। शो का नाम ब्लैक एंड वाइट ही है, शो का नाम सीधी बात ही है, लेकिन उसको मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से मैं उनको उनके सामने पेश करता हूँ। सो आई बिलीव द किचन इज़ गोइंग टू बी द सेम, बट जो सप्लाई लाइंस हैं उसकी अलग अलग किचन की, किचन के साथ जब वो आगे जाएंगी वो सप्लाई लाइंस अलग अलग हो जाएंगी और फिर उसमें आप टेलर मेड कॉन्टेंट आप बनाने लगेंगे। टीवी का अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि टीवी आगे चलकर सिर्फ अपॉइंटमेंट व्यूइंग के लिए एक डिवाइस बन जाएगा जिसमें लोग अपॉइंटमेंट व्यूइंग वाला फॉर्मेट देखना चाहेंगे, जो एनी टाइम न्यूज़ और जो स्नैकिंग जिसको हम बोलते हैं कि न्यूज़ चैनल्स आर लाइक कैजुअल स्नैकिंग, उसके लिए शायद लोग फिर टीवी को प्रेफर ना करें। लेकिन हमारे लिए चुनौती है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें टीवी पर देखें तो हमें ऐसे शोज़ बनाने पड़ेंगे जो कि अपॉइंटमेंट व्यूइंग के दायरे में आते हों। फॉर्चुनेटली अभी तक मैंने जो शो किए हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट व्यूइंग बनी है और लोग रात को 9 बजे एक अपॉइंटमेंट व्यूइंग के तहत आते हैं देखने के लिए। अब अगर मैं शो इसी तरीके से मेंटेन करके रखता हूँ और अपने आप को लगातार रीइन्वेंट करता चला जाता हूँ तो हो सकता है कि पूरी न्यूज़ इंडस्ट्री में 2-4 शोज़ ऐसे रहें जिनको कि लोग टीवी पर देखने के लिए भी आ जाएं अपॉइंटमेंट व्यूइंग के तहत। अदरवाइज़ फिर जो न्यूज़ है जैसा मैंने आपको बताया एनी टाइम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन वो आपको अलग अलग डिवाइसेस पे हर वक्त उपलब्ध है ही। शुक्रिया सुधीर जी हमसे बात करने के लिए ऑन हेडलाइन मेकर्स एंड थैंक्स फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस, वो भी सीधी बात और ब्लैक एंड वाइट अंदाज में। थैंक यू सो मच।